हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डी हेल्प में। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, फ्रेश जो स्टूडेंट है जिन्होंने अब की बार एडमिशन लिया है, आप सभी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एम डी यू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए बीकॉम डिस्टेंस के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एनरोलमेंट नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमडीयू की तरफ से डिस्टेंस स्टूडेंट के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीए बीकॉम के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम 11 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस लिस्ट में ये जो नोटिस है, नोटिस के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर और या फिर आप एनरोलमेंट नंबर भी कह सकते हैं, उसकी फाइल अटैच की गई है। यहाँ पर आप सर्च करके अपना जो है एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के बाद आपको क्या करना है, समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। किस तरह आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके लिए यूजर मैनुअल भी दी गई है, या फिर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर। वहीं से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। एडमिट कार्ड आपके एक दो दिन में जारी कर दिए जाएंगे। ये नोटिस जारी किया गया है सुपरिटेंडेंट यूजी की तरफ से, डिस्टेंस स्टूडेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है। नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहला जो कॉलम है वो है फोरम नंबर, उसके बाद है प्रोग्राम नेम, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है, उसके बाद स्टूडेंट नेम, एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बात है जैसा कि मैंने आपको बताया है। एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आपको एक प्रिंट मिला हुआ, उसमें सबसे ऊपर लिखा है फॉर्म नंबर, ये आपका फॉर्म नंबर रहेगा। फॉर्म नंबर जैसे ही आप इस लिस्ट में सर्च करोगे, आपका जो है एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट ने अपना फॉर्म नंबर सर्च किया तो यहाँ पर सर्च हो गया, इसके सामने आप जैसे ही देखोगे ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है। इस तरह आपको अपना सबसे पहले फॉर्म नंबर सर्च करना है, फॉर्म नंबर सर्च करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के बाद आपको समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड एलिजिबल का मतलब क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुके हैं, और जिन स्टूडेंट के RLE शो हो रहा है, RLE किस वजह से शो हो रहा है, जैसे BA के कोर्स में आपने एडमिशन लिया तो आपने 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करके अपलोड नहीं की और आपने MDU में अभी तक जमा नहीं करवाई है, इस वजह से यहाँ पर स्टेटस में RLE शो हो रहा है। जितना जल्दी हो उसके आप अपनी जो मार्कशीट है 12th की, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपकी ग्रेजुएशन की जो ओरिजिनल मार्कशीट की जो कॉपी है वो आप MDU जाकर जमा करवा सकते हैं, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका जो रिजल्ट है वो भी लेट आएगा, वो जारी नहीं किया जाएगा जब तक आप अपनी लेट फीस के साथ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाओगे। यहाँ पर BCOM के जो स्टूडेंट है, BA के जो स्टूडेंट है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। 84 पेज की ये लिस्ट रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधे ही लिंक पर क्लिक करके इस लिस्ट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर BCOM के जो स्टूडेंट है, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल जो स्टूडेंट है, आप एलिजिबल नहीं है, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, बाकी आप MDU जाकर पता कर सकते हैं नॉट एलिजिबल किस वजह से दिखा रहा है, या तो आपने फीस पे नहीं की है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट नहीं है। इस PDF में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, या फिर आपके पास एक ईमेल भी आया हुआ, उस ईमेल में आपको एक PDF दी गई है, उस PDF को ओपन करके आप
फोरम नंबर से अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं, उसके बाद समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एमए एमएससी एमकॉम के जो स्टूडेंट हैं, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाली जो लिस्ट है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमए एमएससी एमकॉम के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आपके नोटिस को भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। 9 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। एमए एमएससी एमकॉम एमलीब के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी नोटिस है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है एमलीब के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, लेकिन ये नोटिस एमलीब के जो स्टूडेंट हैं पहले सेमेस्टर के उनके लिए भी है। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ अटैच की गई है इस नोटिस के साथ में। यूज़र मैनुअल आपको रीड करके समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आप वीडियो देख के भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। एडमिट कार्ड आपके 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। इस नोटिस के साथ में ही ये लिस्ट अटैच है, आप देख सकते हैं। पीजी के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपकी लिस्ट जारी की गई है एनरोलमेंट नंबर के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको अपना जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म के प्रिंट से अपना फॉर्म नंबर पता करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम दिया गया है, एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप एमडीयू के पुराने स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपने बीए के कोर्स में एडमिशन ले रखा था, या फिर बीकॉम के कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा था, अभी आप एमएससी या फिर एमकॉम कोई भी कोर्स कर रहे हैं एमडीयू से, तो आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपका पुराना वाला ही रहेगा। नया रजिस्ट्रेशन आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एमडीयू के जो ओल्ड स्टूडेंट है और जो फर्स्ट टाइम एमडीयू में कोई कोर्स कर रहे हैं, उनको नया एनरोलमेंट नंबर दिया गया है। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम नेम देखना है, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है। स्टेटस आपको देखना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं या फिर एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। इस तरह एमएससी एमकॉम के जो स्टूडेंट है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिस्ट से पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप एमए इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट एमडीयू के ओल्ड स्टूडेंट हैं और आरएलई की वजह से दिखा रहा है, आपने बीए की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड नहीं की एडमिशन फॉर्म में, आपने जो मार्कशीट है जमा नहीं करवाई एमडीयू में, अभी आप अपनी जो मार्कशीट है जमा करवा सकते हैं, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा मेरे हिसाब से, और आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी नहीं किया जाएगा जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाओगे लेट फीस के साथ है। फोरम नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। एमए आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, एमए इंग्लिश से, एमए हिंदी से, एमए इकोनॉमिक्स से, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स से एडमिशन आपने ले रखा, चाहे आपने ऑनलाइन कोर्स से एडमिशन ले रखा है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के बाद आपको समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपके पास ये पीडीएफ ईमेल पर भी आई होगी, अगर ईमेल पर नहीं आई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना एनरोलमेंट नंबर पता करके समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।